हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं काफ़ी दिन के बाद वीडियो बना रहा हूँ फॉर यूट्यूब। आज से मेरी कोशिश रहेगी कि डेली बेसिस पे आपको वीडियो मिल पाए एवरी सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, चाहे वो ऑटो कैड हो, 3ds Max, वीरे, लूमिन, फोटोशॉप, जिस भी तरीके से मैं वीडियो बनाता हूँ उन सभी टॉपिक्स पे आपको मेरी कोशिश रहेगी कि डेली बेसिस पे आपको वीडियो मिल पाए। तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें, ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं तो आपको उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पे या आपके डिवाइस पे मिल पाए। अब आज की वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, आज हम 3ds Max में एक जाली को सिंपल तरीके से कैसे बनाते हैं, जाली डिजाइन किस तरीके से बनाते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं। डिफरेंट टाइप्स की जालीस रहेंगी, किस तरीके से आप उस चीज को बना सकते हो एक सिंपल तरीके से, ठीक है। और अगर आप लाइव ट्रेनिंग लेना चाहते हो, पर्सनल ट्रेनिंग लेना चाहते हो, तो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रही हैं और डिस्क्रिप्शन में भी आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। और आप मेरी ऐप को डाउनलोड कर सकते हो, दीपक वर्मा के नाम से एंड्रॉयड ऐप है, या फिर अगर आप आईफोन यूजर हो तो माई इंस्टीट्यूट ऐप डाउनलोड कर सकते हो और आप ORG कोड वहां पे यूज कर सकते हो, ODIMM। सभी डिटेल्स आपको आपके स्क्रीन पे दिख रही हैं, ठीक है। अभी काफी सारे ऑफर्स भी चल रहे हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। लाइव क्लासेस मैक्स की चल रही है, स्केचअप की चल रही है, इंटीरियर डिजाइनिंग की चल रही है, तो आप जाके वहां पे चेकआउट कर सकते हैं दीपक वर्मा के नाम से जो ऐप है, ओके। और तो चलिए फिर आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें करना क्या है, आपको गूगल पे जाना है और लिखना है जाली डिजाइन PNG। PNG में ले सकते हो, JPG फॉर्मेट ले सकते हो, किसी भी फॉर्मेट में ले सकते हो, क्योंकि हमें बाद में उसको कन्वर्ट ही करना है। तो आप कोई भी डिजाइन आप यहाँ पे लोगे, जैसे ये वाले डिजाइन से जाली वाले, मेक श्योर की डिजाइन ऐसे हो कि आपको सामने से इस तरीके से दिखाई दो। राइट क्लिक करो, सेव इमेज, आप सेव कर लो, ये इमेज है, राइट क्लिक, सेव इमेज, आप इसको सारी इमेजेस को जो जो है आप सेव करते जाओ, जो जो आपको डिजाइन चाहिए, जिस भी टाइप का, मान लो इस टाइप का चाहिए, मेक श्योर कि इसके बीच में ये वाला जो वाटर मार्क है वो ना हो, ठीक है। नीचे हो चलेगा, वो बाद में आप हटा सकते हो, बट बीच में वाटरमार्क आएगा तो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इस टाइप के आपको जाली चाहिए, राइट क्लिक करो, सेव करो। बेसिकली आपको कुछ इमेजेस सेव करनी है, जिस भी टाइप की आपको जाली चाहिए। मैंने ऑलरेडी कुछ जालीज के डिजाइन सेव किए हुए, जैसे ये वाले जाली के डिजाइन है, ठीक है। अब इन डिजाइन को आप डायरेक्टली यूज नहीं कर सकते इन 3ds Max। एक्चुअल में हमें इन डिजाइन को कन्वर्ट करना पड़ेगा लाइन बेस्ड डिजाइन पे, ऐसी इमेजेस में जो वेक्टर हो और लाइन बेस्ड हो, तो वो काम करता है इलस्ट्रेटर या कोरल ड्रॉ। आप इसे फोटोशॉप में जाके भी कन्वर्ट कर सकते हो, उसमें इलस्ट्रेटर में या कोरल में जाके भी कन्वर्ट कर सकते हो आप इसे। अब सबके पास जरूरी नहीं है कि आप सबके पास फोटोशॉप हो या फिर इलस्ट्रेटर हो, तो आप इसको डायरेक्टली ऑनलाइन से भी इसको कन्वर्ट कर सकते हो। तो ऑनलाइन फाइल कन्वर्ट करने के लिए आप किसी भी लिंक को ओपन कर सकते हो, किसी भी फाइल कन्वर्टर का यूज कर सकते हो। हम जो यूज कर रहे हैं वो है कन्वर्टियो। आप कन्वर्टियो पे जाएं, convertio.co, यहाँ पे आपको क्या करना है, चूज फाइल पे क्लिक करें और जो आपकी JPG या PNG फॉर्मेट की फाइल्स है आप इसको सिलेक्ट करें, दो करनी है, तीन करनी है, मान लो ये करनी है, ओपन करें तो ये फाइल यहाँ पे आ जाएंगी। आप कर दो कन्वर्ट टू, आप इसे कन्वर्ट टू जैसे इमेज फाइल में कन्वर्ट कर सकते हो, किसी डॉक्यूमेंट फाइल में, ई बुक में, फॉन्ट में, वेक्टर में, कैड फाइल में आप इसे कन्वर्ट कर सकते हो। हम कन्वर्ट करेंगे वेक्टर में जाके AI फॉर्मेट में, जो आपका इलस्ट्रेटर का फॉर्मेट होता है, तो सभी को हम वेक्टर AI में कन्वर्ट करेंगे, या फिर कन्वर्ट R2 आप कर सकते हो, वेक्टर AI, सभी ऑल हो जाएगा। अब कन्वर्ट पे क्लिक करो, जैसे ही कन्वर्ट करोगे वो अपलोडिंग होना यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा, और ये आपका जैसे ही कन्वर्ट हो जाएगा तो ये आपको डाउनलोड के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिखा देगा, जिस पे आप क्लिक करके इस फाइल को डायरेक्टली डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। कन्वर्टियो में कुछ फाइल्स हैं जहां लिमिट है कि इतनी आप कर सकते हो, उसके बाद आपको साइन अप करना पड़ता है, साइन अप करके आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए यूज कर सकते हो। क्लिक ऑन डाउनलोड, जैसे फिनिश होता है डाउनलोड पे क्लिक करो तो आप देखो कि ये आपकी AI फॉर्मेट की फाइल्स यहाँ पे डाउनलोड हो जाएंगी। ऐसे ही मैंने कुछ यही वाले जाली के डिजाइन ऑलरेडी डाउनलोड करके रखे हुए हैं, इनको हम डायरेक्टली अब यूज करेंगे आपने 3ds Max में। चलो हम 3ds Max पे चलते हैं। अब आपको क्या करना है, क्लिक ऑन फाइल, क्लिक ऑन इम्पोर्ट एंड इम्पोर्ट पे क्लिक करो।
हम एक फर्स्ट वाली फाइल को मान लो इंपोर्ट करते हैं ओपन, जैसे ही ओपन करेंगे हम ओके करेंगे, यहाँ पे आएगा मर्ज ऑब्जेक्ट, ओके करो। अब यहाँ पे दो चीजें होती है, सिंगल ऑब्जेक्ट एंड मल्टीपल ऑब्जेक्ट, सिंगल ऑब्जेक्ट एंड मल्टीपल ऑब्जेक्ट। हमेशा ट्राई करो सिंगल ऑब्जेक्ट में इस फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट करने की, मल्टीपल ऑब्जेक्ट में थोड़ा सा इश्यू आ सकता है, क्या इश्यू आता है वो मैं आपको बताऊंगा अभी। ओके क्लिक करो तो आप देखोगे आपका ये यहाँ पे जाली का डिजाइन आ गया। स्केल आप बाद में भी कर सकते हो, ग्रिड मैंने ऑफ किए। अब आपको करना क्या है, आप इसको डायरेक्टली यहाँ पे एक्सट्रूड करो, कितना आपको एक्सट्रूड करना है उतना आप एक्सट्रूड कर सकते हो। तो डायरेक्टली आपका जाली का डिजाइन यहाँ पे देख सकते हो बन जाएगा, टॉप से देखोगे देखो इस तरीके से जाली का डिजाइन आ गया। ऐसे ही आप एक और इंपोर्ट करो, मान लो मैं इंपोर्ट करता हूँ इसको, मैं एक बार साइड करता हूँ, तो यहां से हम इंपोर्ट करते हैं। अब हम मर्ज करेंगे क्योंकि इस फाइल के अंदर मुझे इंपोर्ट करना है, क्लिक ऑन मर्ज। अब मान लो मैं ये वाली फाइल को यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ, ओके मर्ज सिंगल ऑब्जेक्ट, ओके एंड ओके। ये आपका देखो सिंगल ऑब्जेक्ट यहाँ पे इस तरीके से आ जाएगा, आप इसे स्केल कर सकते हो उस ऑब्जेक्ट के इक्वल। अब इस ऑब्जेक्ट को मैं एक कॉपी करता हूं ताकि आपको दिखा पाऊं कि सिंगल ऑब्जेक्ट और मल्टीपल ऑब्जेक्ट में क्या डिफरेंस हो सकता है। मान लो मैंने इसको कॉपी किया और इसको सिलेक्ट करके मान लो मैंने एक्सट्रूड कर दिया, जैसे ही मैं एक्सट्रूड करूंगा तो आप देख सकते हो इस तरीके से आपका एक्सट्रूड हो गया और बड़ा इजिली ये कन्वर्ट हो गया। अगर आप इस पे क्लिक करते हो, मान लो मैं इसको डिलीट करता हूं और मैं इसको इंपोर्ट करता हूं दोबारा से इसी फाइल को ओपन, और मैं इसको कर देता हूं मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, ओके। तो आप देखोगे ये आपका जो इंपोर्ट हुआ मल्टीपल ऑब्जेक्ट, मतलब ये सारे के सारे जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो अलग लगे यहाँ पे, ठीक है। अब मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके एक बार के लिए कन्वर्ट टू एडिटेबल पॉली कर देता हूँ, क्योंकि ये भी मेरा शेप है। अगर मैं क्यों कर रहा है ये, मैंने ये भी मैं आपको बताता हूँ। इसको सिलेक्ट किया, अब मैं इन सारी शेप्स को अटैच कर देना चाहता हूँ, ठीक है। अटैच करने के लिए मेरे को क्या करना है, एक पे क्लिक करो, एक पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे जाओ अटैच मल्टीपल पे क्लिक करो, मल्टीपल पे अटैच करने के बाद, और मैं यहाँ पे करूंगा डिस्प्ले ओनली शेप्स। अब अगर ये भी आपको मैं कन्वर्ट नहीं करता कन्वर्टेबल पॉली में, एडिटेबल पॉली में, तो ये शेप्स भी मेरे को यहाँ पे दिखाई देती। अब ये जितनी भी शेप्स नजर आ रही है वो सारी ये वाली शेप्स है, मैं इन सबको सिलेक्ट करूंगा और अटैच कर दूंगा तो ये सारी शेप्स अटैच हो जाएंगी। अब मैं यहाँ पे जाके इसको एक्सट्रूड करूंगा तो ये देखो एक्सट्रूड हो गया, बट कहीं कहीं पे आप देखो कितनी प्रॉब्लम आ रही है, कोई वर्टेक्स वो मर्ज नहीं कर पाया, कोई वेल्ड नहीं कर पाया। तो इस तरीके की प्रॉब्लम आपको हो सकती है अगर आप मल्टीपल ऑब्जेक्ट में इंपोर्ट करते हैं तो, ठीक है। तो मेक श्योर जब भी इंपोर्ट करें सिंगल ऑब्जेक्ट में ही इंपोर्ट करें, क्लियर है। अब इसके साथ एक और बेनिफिट है, अगर मैं मर्ज करता हूं मान लो सेम फाइल को दोबारा से सिंगल ऑब्जेक्ट में एंड ओके, अब मैं इसको ऑब्जेक्ट को यहां पे मान लो मैंने स्केल किया। अब देखो एक तो ये ऑब्जेक्ट है यहां पे, इसको मैं मूव करता हूं यहाँ पे, और एक ये वाली फाइल है सेम। अब मैं अगर इसको स्प्लाइन की हेल्प से बाहर वाली लाइन को सिलेक्ट करके डिलीट कर दूं और अब मैं इसको एक्सट्रूड करूं तो एक नया डिजाइन आपका यहाँ पे बन जाएगा। देखो ये तो जो आपका फिल था उसने होल कर दिया, जो होल था उसने फिल कर दिया। अगर आपको दीवार पे कहीं पे भी इस तरीके की डिजाइन चाहिए तो आप इस तरीके से इसको यूज कर सकते हो, क्लियर है। इसको डिलीट करता हूं, और डिजाइन अगर मैं आपको दिखाऊं तो मैं यहाँ पे इंपोर्ट करता हूँ मर्ज, जैसे ये वाले डिजाइन है, ये वाला मैंने लिया ओपन सिंगल ऑब्जेक्ट ओके, इसको मैं एक और कॉपी कर लेता हूं ताकि मैं इसकी बाहर वाली लाइन को भी डिलीट करके दिखा पाऊं। इसको मैंने साइड किया, फिर से इंपोर्ट किया मर्ज। अब जैसे ये वाला डिजाइन मैं लेता हूँ ओके ओके सिंगल ऑब्जेक्ट ओके, और मैं यहाँ पे इसको भी एक और कॉपी कर लेता हूँ नॉर्मल, और इन सबको सिलेक्ट करके मैं ऊपर रख लेता हूँ इम्पोर्ट मर्ज। अब जैसे ये डिजाइन है, काफी अच्छे अच्छे डिजाइन है, ये मैंने लिए, सभी को करके दिखाता हूँ ताकि देखने से एक बार आपके माइंड में आइडिया आए कि किस तरीके से कौन सी चीजें अच्छे से बन पाएगी और आपको कौन सा डिजाइन अच्छा लग रहा है आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। यहाँ पे जाओ मर्ज पे क्लिक करो, और जैसे ये वाला डिजाइन है ये भी काफी अच्छा है ओके ओके। इसको भी, अब इसमें भी एक प्रॉब्लम है जिसको आप सोल्व कर सकते हो, जैसे इस पे लिखा हुआ है, ऐसी भी इमेज आपको मिल सकती है जिसपे इस तरीके से कुछ लिखा हुआ है और आप उसे इंपोर्ट कर लेंगे तो किस तरीके से आप उसको वहां पे यूज कर सकते हैं। साइड में मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी मैं इंपोर्ट कर रहा हूँ तो वो सेंटर में इंपोर्ट हो रहा है, ठीक है। अब मैंने ये लिया एक लास्ट वन, और
ये मेरा डिजाइन आया यहाँ पे, इसको भी मान लो मैंने कॉपी कर दिया। ओके, अब देखो एक एक को पकड़ते हैं, इसको सिलेक्ट करते हैं, इसके स्प्लाइन से ये वाला डिलीट कर देते हैं। अब मैं इसको एक्सट्रूड करता हूं, तो ये देखो किस तरीके से एक्सट्रूड हो रहा है, और इसको एक्सट्रूड करता हूं तो आपका इस तरीके से एक्सट्रूड हो रहा है। क्लियर है? मैं एक्सट्रूड वाली कमांड कॉपी कर लेता हूं और इन सब पे एक्सट्रूड कर देता हूं। इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, आप पेस्ट भी कर सकते हो अपनी कमांड को, आप इस पे राइट क्लिक करो पेस्ट, तो वो आपकी एक्सट्रूड कमांड पेस्ट हो जाएगी। क्लियर है? इसको अगर आप क्लिक करोगे, स्प्लाइन से सिलेक्ट करोगे, डिलीट करोगे, अब आप इस पे पेस्ट करोगे तो आप देखो एक्सट्रूड कमांड किस तरीके से लग गई। अब इसको क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, विद द हेल्प ऑफ स्प्लाइन टॉप पे जाओ और आप ये लाइंस को जो नीचे लगा हुआ है इसको सिलेक्ट करके डिलीट कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही आप इसके साथ कर सकते हो कि सिलेक्ट करो इसको, लाइन को डिलीट करो, और मान लो इसको भी डिलीट कर दिया। ऐसे ही मैं इसको सिलेक्ट करता हूं और इसकी स्प्लाइन को डिलीट कर देता हूँ। आप देखो कितने अच्छे अच्छे डिजाइन आपके यहाँ पे बनने वाले हैं। जैसे मैंने पेस्ट किया, ये देखो एक्सट्रूड कमांड लगाते ये वाला डिजाइन, और इस पे अगर मैं कमांड लगाता हूं तो इस पे ये वाला डिजाइन आ जाता है। इसको आप दीवारों पे बाहर लगा सकते हो एक्सटीरियर में, कितना प्यारा डिजाइन लगेगा। इस तरीके को आप जाली डिजाइन में कन्वर्ट कर सकते हो, जैसे ये है पेस्ट करोगे, ये देखो किस तरीके का डिजाइन बन गया, और इसको बनाओगे तो ऐसा डिजाइन बन जाएगा। अब अगर आप यहाँ पे टॉप से देखोगे तो आपके पास कितने सारे डिजाइन हैं जिसको आप एज ए जाली यूज कर सकते हो, वरना आप नेट से निकाल के भी कितने सारे डिजाइन में आप अपनी जाली को बना सकते हो। तो इतने सारे टाइप्स हैं, और कहीं पे भी कोई भी जाली डिजाइन हो आप इजिली क्रिएट कर सकते हो। तो ये था कि आप किस तरीके से जाली को यहाँ पे बनाओगे। मेनली देखो ये एकदम से अलग डिजाइन हो जा रहा है, अगर आपको दीवार पे लगाना है तो ये भी काफी अच्छा लगेगा आपके दीवार पे लगाने के लिए। इस तरीके का डिजाइन बनाना है तो भी आप इजिली बना सकते हो। तो आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी है, समझ में आया है आपको। अगर अच्छे लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपने मेरी ऐप अभी तक डाउनलोड नहीं की है तो आप एंड्रॉयड ऐप है दीपक वर्मा के नाम से, और अगर आपके पास आईफोन है तो आप माई इंस्टीट्यूट नाम से ऐप डाउनलोड कर सकते हो। आपका जो ORG कोड है वो रहेगा ODIMM, और आप मेरी वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हो dpkvarma.in, वहां से भी आप स्टूडेंट लॉगिन कर सकते हो, और सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। तो थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए, मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।